हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग डीआईवाई आइडियाज। आज मैं आपको ये मूरल आर्ट बनाना बताऊंगी जो आप इजीली घर पर रेडी कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप MDF बोर्ड का यूज़ करें। मेज़रमेंट मैंने लिख दिया है। चारों तरफ बॉर्डर के लिए एक एक सेंटीमीटर का गैप लेते हुए छोड़ देंगे। और इसी तरह मैंने दोनों पार्ट पर बॉर्डर के लिए एक एक सेंटीमीटर का गैप लेके छोड़ दिया है। आप बोर्ड पर टांगने के लिए एक हुक लगवा करके बोर्ड को पहले से रेडी करके रखें। उसके बाद इस पर इस तरीके से मार्क कर लेना है, क्योंकि हम आपस में दोनों को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर मैं एक दिया बनाऊंगी, उसके लिए मैं 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लूँगी। टेक्सचर पेस्ट के लिए मैंने POP और ग्लू को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के मिक्स कर लिया है। यदि आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप POP, ग्लू और वाटर को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक कोटिंग कर लें, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद टेक्सचर पेस्ट का यूज़ करें। कार्डबोर्ड को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए POP, वाटर, ग्लू को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के उस पर दोनों साइड एक कोटिंग जरूर से कर लें। उसके बाद इस तरह से आप टेक्सचर पेस्ट का यूज़ करें। और आप फिंगर से भी टेक्सचर दे सकती हैं। और इसी तरीके से हम दोनों पार्ट रेडी करके रख लेंगे। और बॉर्डर के लिए मैंने क्ले से बॉर्डर रेडी करके रख लिया है। वो पार्ट मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। और इस तरह से हम बॉर्डर भी रेडी कर लेंगे। एजेस और बैक साइड को भी इसी तरह से पूरा कवर करके और इसे कम्प्लीटली ड्राई होने तक के लिए छोड़ देना है। कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैं इसमें गणेश जी की स्टैचू को पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो गणेश स्टैचू या अपनी मनचाही डिज़ाइन को क्ले से फिर खुद से भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने ये इसको ज़्यादा इजी बनाने के लिए इस तरह से यूज़ किया है, जिससे बिगनर्स भी अपने आसानी से बना सकते हैं। क्ले मोल्ड मैंने कैसे तैयार किया उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और आप इजली घर पर मोल्ड तैयार कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि फिनिशिंग नहीं आई है, वहाँ पर क्ले टूल से आप डिटेल्स दे सकते हैं। मैंने इन दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करने के लिए POP और ग्लू का इक्वल क्वांटिटी में पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के लगाना है आपको, जिससे अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। नीचे किसी चीज़ का सपोर्ट देकर इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दें। सेकंड पार्ट में मैंने वक्रतुंड महाकाय श्लोक लिखा है। आप अपने इच्छानुसार श्री गणेश नमः या कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से ग्लू लगाते हुए अपने इच्छानुसार वर्ड्स लिख करके रेडी कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और भी इसी तरह के आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरह की हैंडमेड चीज़ें घर के डेकोरेशन में तो शोभा घर की बढ़ाती ही हैं। आप हैंडमेड चीज़ों को किसी दिवाली या किसी स्पेशल ओकेज़न पर किसी को बना करके गिफ्ट भी कर सकती हैं।
हमने जो स्क्वायर बनाया था उस पर मैं चारों तरफ क्ले लगा करके बॉर्डर तैयार कर लूँगी और इस पर हम एक जलता हुआ दिया बनाएंगे। क्ले वर्क करते टाइम आपको पानी लगे हाथों से सरफेस को स्मूथ करना ज़रूरी होता है, जिससे कि परफेक्ट शेप उभर कर दिखाई दे। यहाँ पर थर्माकोल कटर से मैं इसको दिए का शेप दूंगी। और हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम कम्प्लीटली ड्राई होने तक के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर ड्राई इस पर हम कलर करेंगे। यहाँ पर मैं एक्रेलिक ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं।